आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कितने टाइप्स की मैच टाइप्स होती हैं। टोटल मैच टाइप्स होती हैं ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट, ब्रॉड मैच मॉडिफायर और नेगेटिव मैच टाइप। एक एक करके इन मैच टाइप के बारे में समझते हैं। ब्रॉड मैच में अगर हम कोई भी कीवर्ड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल PPC कोर्स, हमें उस टर्म को एज इट इज लिखनी होती है। इसमें हम प्री फ्रेज, मिड फ्रेज और पोस्ट फ्रेज तीनों लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ऑनलाइन कोर्स फॉर PPC इन दिल्ली, देन योर एड विल शो। फॉर एग्जांपल इफ वी टाइप बेस्ट PPC कोर्स दिल्ली, देन अगेन योर एड विल शो। But if we write PPC jobs in Delhi, again ad will show because PPC हमारा main business keyword है, इसलिए ad show होगी। But what if अगर हम लिखते हैं MBA course in Delhi, इस case में हमारी ad will not show बिकॉज हमारा मेन बिजनेस कीवर्ड PPC है और यहाँ पे MBA है। कोर्स इज जेनेरिक कीवर्ड, एडवर्ड्स हमेशा मेन बिजनेस कीवर्ड पे फोकस करता है, तो यहाँ पे हमारा मेन बिजनेस कीवर्ड इज नॉट प्रेजेंट, सो हमारी एड नहीं शो होगी। और एक बात, अगर PPC कोर्सेज हम लिखते हैं, यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की, यहाँ पे ये प्लूरल है, प्लूरल, तो प्लूरल में भी हमारी एड ऑटोमेटिकली ब्रॉड केस में एड विल शो। सिमिलरली अगर कोई टाइप करता है PPC CURSE इन दिल्ली, इस दैट मींस मिस स्पेल मतलब स्पेलिंग मिस्टेक करती है, तब भी हमारी एड विल शो। सो टोटल प्लूरल में भी हमारी एड शो होगी, मिस स्पेल में भी शो होगी, और हमारी एड तब भी शो होगी अगर प्री फेज और पोस्ट फेज लगा दिया गया है। बट हमारी एड तब नहीं शो होगी जब हम नॉन बिजनेस कीवर्ड उसमें इंक्लूड करते हैं। सो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। हम अब दूसरी एड पे, दूसरे कीवर्ड मैच टाइप पे रहते हैं जिसका नाम है फ्रेज। फ्रेज में अगर आप कोई भी कीवर्ड विद इन इनवर्टेड कॉमा लिखते हैं, दैट मीन्स वो फ्रेज है। फॉर एग्जाम्पल PPC कोर्स को अगर मैं इसमें लिख देता हूँ, तो दैट मीन्स इसके पीछे प्री फेज और आप पोस्ट फ्रेज दोनों ही ले सकते हो। बट जम्बलिंग ऑफ कीवर्ड्स इज नॉट अलाउड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट, जम्बलिंग ऑफ कीवर्ड्स इज नॉट अलाउड। सो फॉर एग्जाम्पल इसमें प्री फेज मतलब आप पीछे भी कुछ भी लगा सकते हो और आगे इस कीवर्ड्स के बाद में भी कुछ लगा सकते हो, बट सेंटर फ्रेज इज नॉट अलाउड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सेंटर फ्रेज या सेंटर में कोई भी वर्ड आप नहीं ऐड कर सकते हो, नॉट अलाउड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग PPC कोर्स इन दिल्ली, इस केस में आपकी एड शो होगी। अगर आप लिखते हो PPC कोर्स फी एड विल शो, लेकिन अगर आप लिखते हो PPC SEO कोर्स, तब ये कीवर्ड आपका ट्रिगर नहीं होगा, एड विल नॉट शो बिकॉज इसमें सेंटर फ्रेज इंक्लूड कर दिया गया है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुछ भी लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हो व्हाट इज द PPC कोर्स फी, देन अगेन योर एड विल शो। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट कीवर्ड मैच टाइप है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट इज डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी कीवर्ड मैच टाइप आपके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी गई है PPC कोर्स,
दैट मीन्स वो एग्जैक्ट मैच टाइप है, और ये मैच टाइप तभी ट्रिगर होगी जब यूजर एग्जैक्ट सेम वही लिखेगा, तभी आपकी एड शो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। सो वो लोग जो अपनी क्वालिटी या जिनका बजट कम होता है वो एग्जैक्ट कीवर्ड मैच टाइप ले सकते हैं, क्योंकि उनको क्वालिटी ट्रैफिक मिलता है। सो बेनिफिट ऑफ एग्जैक्ट मैच टाइप इज दैट इट ब्रिंग्स क्वालिटी ट्रैफिक। हम अगली मैच टाइप पे चलते हैं जिसका नाम है BMM, शॉर्ट में बोलते हैं BMM, ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ये प्लस साइन से डिनोट की जाती है। एग्जांपल लेता हूँ इसका। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं प्लस PPC प्लस कोर्स प्लस दिल्ली, इस केस में आपको प्री फ्रेज, मिड फ्रेज एंड पोस्ट फ्रेज तीनों ही अलाउड होते हैं। सॉरी, प्री फ्रेज, पोस्ट फ्रेज और मिड फ्रेज दोनों ही अलाउड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बट डी, ये तीनों कीवर्ड को सर्च क्वेरी में कंपलसरी होने चाहिए। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हैं ऑनलाइन PPC कोर्स इन दिल्ली, आपका एड शो होगा। आप लिखते हैं PPC कोर्स इन रोहिणी, अब आपका एड शो नहीं होगा, एड विल नॉट शो, बिकॉज आप इसमें तीनों वर्ड नहीं है। बट अब अगर आप लिखते हैं PPC कोर्सेज इन दिल्ली, आपका एड ट्रिगर हो जाएगा, एड विल शो। सेकंड, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं ऑन, अगर आप इसको जंबल कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ कोर्स इन दिल्ली PPC, देन अगेन योर एड विल शो, क्योंकि अगेन आपका PPC वर्ड, दिल्ली वर्ड और कोर्स वर्ड तीनों ही इसमें आ रहे हैं। सो जैसे मैंने कहा कि जंबलिंग ऑफ वर्ड इज अलाउड, तो यहां मैं लिख देता हूं जंबलिंग ऑफ वर्ड्स इज अलाउड। सो ये मैं जब अपने प्रोजेक्ट करवाता हूँ तो ये ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में मैं यही मैच टाइप लेता हूँ। ये मैच टाइप गूगल के IT प्रोफेशनल के थ्रू इन्वेंट की गई है। टेक्निकली ये ब्रॉड ही होती है, बट इसको ब्रॉड मैच मॉडिफायर के अंडर कैटेगराइज किया गया है। तो अगर आप अपना कैंपेन बनाते हैं और आप क्वालिटी लेते लेना चाहते हैं, तो ब्रॉड ना लेके आप ब्रॉड मैच मॉडिफायर कीवर्ड ले सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.training.adcentrix.com। मेरा नाम संजय बिस्ट है। यू कैन कॉल मी ऑल्सो 7011640018 मेरा नंबर है। आप मेरे से किसी भी टाइप के डाउट्स पूछ सकते हैं रिगार्डिंग कैंपेन क्रिएशन और कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन और कैंपेन ट्रबल शूटिंग। मैं आपको इसके टिप्स प्रैक्टिकल क्लासेस में ज़रूर दूंगा। अगली मैच टाइप है नेगेटिव मैच टाइप। नेगेटिव मैच टाइप वो मैच टाइप होती है जिसके थ्रू हम जिन कीवर्ड्स के लिए अपनी एड नहीं शो करना चाहते या प्रिवेंट करना चाहते हैं, वो नेगेटिव मैच टाइप में ऐड करके हम अपनी एड ट्रिगर होने से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्री, रिव्यू, डाउनलोड, वीडियो, टिकटॉक। सो ये वो कीवर्ड हैं जिसके लिए आप अपनी एड कभी नहीं शो करना चाहोगे। नेगेटिव मैच टाइप ऐड करने बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि हमारा स्पेंड रोकते हैं, हमारी क्वालिटी बढ़ाते हैं। अगर हम जितना रिफाइन करके नेगेटिव मैच टाइप लेंगे अपने कैंपेन्स में, उतना अच्छा हमारा क्वालिटी स्कोर होगा, उतना अच्छा हमारा लीड्स होगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग मैच टाइप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम PPC ट्रेनिंग हमारे कैंपेन में कीवर्ड है और हम ट्रेनिंग वर्ड नेगेटिव में ले लेते हैं, तो
दैट मींस जहां जहां हमने ट्रेनिंग लिखा है अपने कैंपेन में, हमारा कैंपेन ट्रिगर नहीं करेगा, हमारा एड शो नहीं होगा और वो एरर देगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ हम ये कीवर्ड ले रहे हैं। तो दैट मीन्स आपको नेगेटिव कीवर्ड मैच है, बहुत सोच समझ के ध्यान देना है। यह मैं अपने लाइव प्रोजेक्ट सेशन में बताता हूँ, आप कभी भी आकर मेरे से डाउट सेशन ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट adzentrix.com है और हम डिटेल्स में मैच टाइप कैसे मैच टाइप हम एसोसिएट कर सकते हैं कीवर्ड्स और कैंपेन्स में, ये सारा आपको डिटेल में बताऊंगा। आप सभी का मेरे को सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।